हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आप देख रहे हैं ये खास सीरीज जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर, हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स। आज भारत में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जिस रफ्तार से बढ़ रही है उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है एक जानी मानी कंपनी एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर। ब्लड शुगर के खिलाफ अपने अभियान में एमिल हेल्थ केयर को साथ मिला है प्रसिद्ध सरकारी संस्था CSIR की रिसर्च का। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की पूरी टीम डॉक्टर नितिका कोहली के गाइडेंस में लगातार शुगर के पेशेंट्स की हेल्प के लिए तत्पर है। डॉक्टर नितिका कोहली का एक ही उद्देश्य है, ब्लड शुगर के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। डॉक्टर नितिका, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू अंकिता। वेल दोस्तों, इससे पहले कि इस एपिसोड को आगे बढ़ाएं, आपको ये बता दूं कि ये शो खास आपके लिए है। ये एक ऐसा शो है जहां आप हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर नितिका से खुद बात कर सकते हैं। अगर ब्लड शुगर रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हैं या आप भी अपने ब्लड शुगर को मैनेज करना चाहते हैं सक्सेसफुली, तो ये शो खास आपके लिए है। फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और बात कीजिए डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर, आज हमारी चर्चा का विषय है ब्लड शुगर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो ब्लड शुगर को मैनेज करना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, या इसके बिना मैनेज हो सकता है? देखिए, जो नॉर्मल रूटीन है हमारी बॉडी में उसमें ये रहता है कि जो भी खाना आप खाते हैं उससे एनर्जी, जो ग्लूकोज कन्वर्जन होता है, वो आपके सेल्स के लिए एनर्जी है जिससे आप नॉर्मल से नॉर्मल काम, उठना, बैठना, आंखें ब्लिंक करना, बोलना, मतलब नॉर्मल डे टू डे वर्क सब कुछ होता है, जो फ्यूल होता है हमारे। हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर ये काम ठीक से नहीं हो रहा है, ये जो एनर्जी है, अगर ये हमारे सेल्स को नहीं मिल रही है, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वहीं से स्टार्ट होती है। हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो स्टार्वेशन मोड पर चले गए हैं, उनकी हड़ताल है, एक तरह से भूख हड़ताल हो गई है, उनको खाना नहीं मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इनिशियली शायद ये जो नुकसान है ये पेशेंट्स नोटिस ना करें, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस के रूप में सामने आते हैं, जिसमें ब्लड शुगर लो होती है या छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम होने लगती है, थकावट रहना या यूरिन ज़्यादा आना। बट धीरे धीरे जब वो सिस्टम को बिल्कुल ही एनर्जी नहीं मिलती है, ऑर्गन डैमेज स्टार्ट हो जाता है, तो फिर अलर्ट मोड आई थिंक पेशेंट्स का भी स्टार्ट होता है। जबकि अच्छी बात यह है कि ये जब प्रॉब्लम स्टार्ट ही होती है इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि कोई प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है जब वो सर से ऊपर पानी चला जाए उसको तब कंट्रोल किया जाए, उससे पहले ही अगर उसको मैनेज कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं फर्स्ट कॉल। जी हेलो। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, आपका नाम और आप कौन से शहर से बात कर रही हैं? मैं वंदना बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ मैडम। नमस्कार वंदना जी। नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर साहब ऐसा है, मेरे हस्बैंड को ना 2001 में ना शुगर हुई थी, हमें पता नहीं चला था। अच्छा। ना बड़े वीक होना शुरू हो गए थे ये। अच्छा। और हमारे घर में डेथ हुई हुई थी मेरे फादर इन लॉ की, तो कोई रिलेटिव आए हुए थे। ठीक है। तो उन्होंने इनको देख के उनको बड़ा आश्चर्य हो गया, ये इतना कमजोर कैसे हो गए हैं। ठीक है। तो उन्होंने बोला आप शुगर टेस्ट करवाओ तो इनको पक्का शुगर मिलेगी। तो 385 शुगर थी, हमने अगले दिन चेक करवाई। ओहो, अच्छा। फिर इन्होंने इलाज शुरू करवाया अपना, इंग्लिश दवाइयाँ शुरू की। हाँ, तो आज तक ये अपनी इंग्लिश दवाइयाँ ही खा रहे हैं, एक्चुअल कहीं लैब वगैरह में भी नहीं जाते चेक करवाने के लिए। अच्छा। तो मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ इनकी वजह से ना जी। और थकावट कैसी है? जो प्रॉब्लम पहले थी, जो वेट लॉस हो रहा था और जो थकावट, वेट तो अभी भी इनका बहुत कम हो गया है, लेग्स वगैरह काफी वीक हो चुकी हैं, हाथ वगैरह में भी इनके मतलब फर्क पड़ गया है पहले से जी। तो उस वजह से वो ये शो करते हैं कि भाई मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। वंदना जी, आपको बताना चाहूंगी कि डर है इंसान से बहुत कुछ करवाता है, ये उनको डर है दवाओं का, बीमारी का, ये जो डर है ना। और आई थिंक आजकल हमारी सोसाइटी में इस प्रॉब्लम को लेकर, शुगर को लेकर, जैसे ही सुनने में आता है शुगर हो गई है, उनको पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई है, रुक जाएगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, इसी डर के पीछे ना किसी लैब में नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है अगर मैं लैब में जाऊंगा जो कि टेंशन से भी इनको शुगर शूट अप कर जाती है जी। तो वंदना जी हमें करना क्या है, हमें उनका ये डर दूर करना है सबसे पहले। तो ये डर आप भी दूर कर सकती हैं, पर चूंकि हाँ जी,
वो आपकी बात इतने टाइम से आप तो शायद बोल ही रही होंगी, नहीं सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि वो डर नहीं, वो नहीं सुन रहे हैं। जी वो हमारे प्रोग्राम आप उनको दिखाएं, शायद उनका डर तब दूर हो, शायद आप उन्हें हमसे मिलवाएं, शायद तब उनका डर दूर हो। बट डर निकालना जरूरी है, सबसे पहले आप टेस्ट के पीछे मिला जाएगा और कैसे, मतलब आप थोड़ा प्रोसीजर बताएंगे हमें। जी आप उनको अभी टेस्ट के लिए कंपेल ना करें, मेडिसिन के लिए कंपेल ना करें, पहले तो उनसे बात ही करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा कि एक्चुअली में शुगर की प्रॉब्लम क्या है, क्या हो रहा है उनके साथ, और उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके दिमाग में ये बात फीड हो जाती है कि शुगर से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है, तो आई थिंक फिर रास्ता आसान है। एक्चुअली मेजर हिंड्रेंस यही है कि उनकी मेंटालिटी को जो चेंज करना है, उसमें आपका बहुत मेजर रोल है। बार बार ये कहने से कि टेस्ट नहीं करवाते सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ उनको ये बताना है कि एक्चुअली में शुगर से डरना नहीं है, ठीक है और इसको मैनेज किया जा सकता है। और बहुत से लोग अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल और मेडिसिन से इसको मैनेज अच्छे से कर रहे हैं। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू वंदना जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। ओके डॉक्टर साहब, थैंक। दोस्तों जैसा कि डॉक्टर नितिका ने कहा, डायबिटीज से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। अगर आप भी अपनी डायबिटीज से लड़ना चाहते हैं, ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करना चाहते हैं, तो यही आपका मौका है। फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और बात कीजिए डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर नितिका, आप सिर्फ डॉक्टर ही नहीं हैं बट अपने पेशेंट्स के लिए काउंसलर भी हैं, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल्स का जो डर है, डायबिटीज़ का जो डर है, वो इतनी बुरी तरह से बैठा हुआ है लोगों के जहन में कि लोग अपना टेस्ट ही नहीं कराते हैं। बिल्कुल, धीरे 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 लेवल्स बढ़ जाते हैं, बॉडी में डैमेज शुरू हो जाता है। पर इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि ब्लड शुगर मैनेजमेंट में कितना बड़ा हिस्सा है काउंसलिंग का, मैं आप ही के एक टीम मेंबर डॉक्टर हिमांशु से मिलना चाहूंगी एंड लेट्स सी कि हमारे सवाल का जवाब उनके पास क्या है। जी डॉक्टर हिमांशु, हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। आपसे जानना चाहूंगी कि लाइफस्टाइल का या फिर ईटिंग हैबिट्स का कितना असर पड़ता है हमारे ब्लड शुगर लेवल्स पे। अंकिता जी, लाइफस्टाइल में तीन मेजर चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ है डाइट, दूसरे नंबर पे आता है आपका डेली रूटीन, और तीसरे नंबर पे आती है आपकी फिजिकल एक्टिविटी। यदि आपकी डाइट ठीक है तो आप काफ़ी हद तक ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड शुगर कैलोरी के इनपुट और आउटपुट पे डिपेंड करती है। दूसरी चीज़ है आपका डेली रूटीन, आप कितने बजे सोते हैं, आप कितने बजे खाते हैं, टाइमली खाते हैं, नहीं खाते हैं, ये सभी चीज़ें ब्लड शुगर को अफेक्ट करती हैं। तीसरी चीज़ है फिजिकल एक्सरसाइज, यदि फिजिकल एक्सरसाइज आप करते हैं तो आप इजीली अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांशु, थैंक यू। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। सो डॉक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी ब्लड शुगर लेवल्स पे बहुत भारी असर पड़ता है। बिल्कुल, हमारे साथ एक और कॉलर है जो हमारे साथ जुड़े हैं, लेट्स टेक अनदर कॉल। जी हेलो। हेलो, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। हाँ जी नमस्कार मैडम जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? हाँ जी मैडम, मेरा नाम रोहताश कुमार, मैं देहरादून से बात कर रहा हूँ। नमस्कार रोहताश जी। नमस्ते डॉक्टर साहब जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ डॉक्टर साहब। बहुत अच्छी बात है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, मेरे परिवार में किसी को ब्लड शुगर नहीं था जी, और मैं जहाँ पे नौकरी करता हूँ वहाँ पे डॉक्टर साहब चेकिंग के लिए आए थे। अच्छा। उन्होंने मेरे को ब्लड शुगर बताया। अच्छा। तो उसके लिए मेरे को इंग्लिश दवाई पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। अच्छा। आप मेरे को आयुर्वेदिक दवाई बताने की मदद कीजिए जिससे मैं अपना ट्रीटमेंट कर सकूँ अच्छी तरह। जी, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आपको अचानक ही एक दिन टेस्ट में पता चला कि ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, एक ही बार टेस्ट हुआ है? डॉक्टर एक ही बार हुआ है। अच्छा, देखिए रोहताश जी, एक बारी के टेस्ट को ना तो मैं मानती हूँ कि आपको बता देना चाहिए कि आपको शुगर की प्रॉब्लम हो ही गई है, और ना ही अगर आप कोई दवा ले रहे हैं तो एक बार के टेस्ट से ये पता चलता है कि आपकी ब्लड शुगर बिल्कुल ठीक है। एक आपको करानी है खाली पेट ब्लड शुगर चेक, जिसको फास्टिंग कहते हैं। एक आपको करानी है अपने खाने के एग्जैक्टली 2 घंटे बाद, जिसको हम पीपी कहते हैं। एक आपको टेस्ट कराना है जो 3 महीने की आपको एवरेज देगी कि 3 महीने में आपकी ब्लड शुगर अगर बड़ी है तो कितनी बड़ी है। अच्छा जी। और उसके साथ ही साथ आपको चौथा टेस्ट कराना है अपने यूरिन का, कि यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा है साथ ही साथ शुगर के साथ। अगर ये जो टेस्ट हैं ये रेंज में नहीं आते हैं, डिपेंड करता है क्या इनकी रिपोर्ट्स आएंगी, अगर ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन है तो भी बिल्कुल निश्चिंत होकर नहीं बैठना है आपको, अलर्ट मोड में तो रहना ही है, और ऐसे घबराहट वाला अलर्ट में नहीं रहना है आपको, ऐसे रहना है आप कंट्रोल में हैं।
पर साथ ही साथ टेस्ट में चाहे कुछ भी आए, आपको अपनी डाइट पे तो ध्यान देना ही चाहिए। काम के चक्कर में ऐसा ना करें कि आप अपने खाने पे ध्यान ना दें, बहुत लंबे लंबे अंतर पे खाना खा रहे हैं या बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये सब चेंजेस तो आप करना शुरू कर ही दीजिए और फिर साथ साथ टेस्ट कराएं। तो आप अपनी डाइट में चेंजेस करिए, लाइफस्टाइल में नींद प्रॉपर लें, एक्सरसाइज करें, फिर टेस्टिंग कराएं। आप हमें अपनी रिपोर्ट्स भी भेज सकते हैं और फिर हम आपको गाइड करेंगे कि मेडिसिन स्टार्ट भी करनी है, नहीं करनी है, किस डोजेज में करनी है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, कल से ये सब काम करूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे, थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स हाई हैं और आप भी उसे मैनेज करना चाहते हैं तो यही आपका मौका है। डॉक्टर नितिका और उनकी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और बात कीजिए डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर नितिका हमारे साथ, आपके एक ऐसे पेशेंट हैं जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। अब ये खुशी है या दुख है या क्या है, लेट्स हैव अ लुक। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं गाजियाबाद में इंदिरापुरम में रहता हूँ। 1.5-2 साल पहले मेरे को शरीर के अंदर थकान सी काफ़ी महसूस होती थी। सुबह उठता था तो ऐसे लगता था कि जैसे मेरे को सोने के बाद भी आराम नहीं मिला। तो उसको मेरे मित्रों ने एडवाइस किया कि मैं चेक कराऊं। तो चेक करने के बाद मेरे को ये बताया गया कि मेरे को थोड़ी सी जो बॉर्डर लाइन पे डायबिटीज़ है। तो कुछ दिनों के बाद फिर मेरे मित्र ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे है, एमिल हेल्थ केयर है, वो काफ़ी अच्छे हैं, हालांकि उन्होंने वहाँ से दवाई ली थी। तो जब उन्होंने बार बार मुझे ये कहा तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक दफ़ा जाके बात कर लेते हैं। तो मैंने फिर फ़ोन से डॉक्टर नितिका कोहली से अपॉइंटमेंट लिया, मैं उनके क्लिनिक में आया। तो उन्होंने मेरे को कम से कम नहीं तो आधा घंटा मेरे को उन्होंने समझाया हर दवाई के अंदर क्या है क्या नहीं है। उन्होंने जो मेरा डर था दवाई खाने का वो निकाला और उन्होंने ये एश्योरेंस भी दिया कि इस दवाई का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सेटिस्फाई हो गया तो मैंने उनसे वहाँ से दवाई ली और तकरीबन मैं 6 महीने से वो दवाई ले रहा हूँ। और अब मैंने 15 दिन पहले टेस्ट कराया है तो उसके अंदर मेरे को काफ़ी फ़र्क है। जो थकान महसूस होती थी अब उसके अंदर वो इतना वो ग्रेविटी नहीं है। मैं डॉक्टर नितिका को थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मेरे को समझाया, जैसे उन्होंने मेरे को मतलब एश्योरेंस दिया, वो सब चीज़ पूरी हुई और उनके कहने पे मैं चला लाइफस्टाइल में थोड़ा सा और चेंज करने से मेरी जो डायबिटीज़ है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल है, अब मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। डॉक्टर, ऐसे सक्सेसफुल केसेस देखने के बाद आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को स्ट्रेंथ मिलती होगी कि डायबिटीज़ को मैनेज करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है और हमारे वश में है। जी वेल, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमें ढेर सारी नॉलेज देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अंकिता। दोस्तों, अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स हाई हैं और आप उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, तो देर किस बात की। आपके सवालों के जवाब हम आप तक अब भी पहुंचा सकते हैं। आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, मेल कीजिए या कॉल कीजिए। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0786-300-3434, 0786-190-3434 और 0786-290-3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। दोस्तों, कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पर जहां बात आती है ब्लड शुगर लेवल्स की तो हमारा मानना है कि अवेयरनेस इज मच बेटर देन क्योर। इसी वादे के साथ कि अगले एपिसोड में ब्लड शुगर रिलेटेड ढेर सारी जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए लेती हूं आपसे इजाजत, बट यू टेक केयर क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल केयर वर्ल्ड।